में लक्ष्मी अंगरा की बात आई थी, लक्ष्मी अंगरा ने सहज ज्ञान का प्रवर्तन किया था और सहज साधना में अब जानिए क्यों सुदर्शन का रथ नहीं है, क्योंकि सहज साधना में ये माना जाता है, पहंडी क्रम में आपने देखा सहज साधना में लिंग की गति पहले है, लिंग चालन से ही बिंदु का स्फुरण होता है, शक्ति का आश्रय लेकर बिंदु जगत का सृजन करता है पहंडी, इसीलिए सबसे पहंडी लिंग स्वरूपी सुदर्शन की पहंडी होती है, उसके बाद बिंदु रूपी बलभद्र आते हैं, फिर सुभद्र संसार की जोड़ने हेतु बिंदु शक्ति पर निर्भर करता है, इसीलिए बिंदु के बाद सुभद्रा मैया की पहंडी होती है और फिर अंत में ब्रह्म का प्रतीक जगन्नाथ आते हैं, इसीलिए चूंकि यहाँ शक्ति बिंदु और ब्रह्म की बात आती है, इसीलिए सुदर्शन के लिए कोई विशेष रथ का प्रावधान नहीं है। वज्रजानी और निर्गुणिया संतों में भी सहसाधना के यही लक्षण प्रतिभात होते हैं। जगन्नाथ संस्कृति में ऐसी कोई चीज नहीं है जिसका लोक पक्ष न हो, जिसका संबंध लोक के साथ न हो, जिसके संबंध जनता के साथ न हो। मानव शरीर का निर्माण आप जानते हैं, हमने बार बार दोहराया है कि मानव शरीर का निर्माण पंच महाभूतों से होता है। ये पंच महाभूत कौन कौन है? पृथ्वी, आप, तेज, वायु और आकाश। उसी प्रकार रथ का निर्माण भी पंच तत्वों से होता है। वे पंच तत्व कौन है? लकड़ी, रंग, कपड़े, जंबूरा और धातु। अतः पंच तत्व के आधार पर मानव शरीर और रथ में बहुत सारी समानताएं हैं, बिल्कुल ही समानताएं हैं। जिस प्रकार हमारे अवयव होते हैं, शरीर के अवयव होते हैं, उसी प्रकार रथ के भी अवयव हैं। जैसे हमारे हाथ, मुंह, नाक, कान, आंख, सिर, जीभ, दांत, पैर आदि मानव शरीर के अवयव हैं, उनके अंग हैं, उसी प्रकार रथ के भी हैं। रथ के ये सारे अवयव इसी नाम से जाने जाते हैं, जिन्हें हम अर्धभूमि कहते हैं, पूजापीठ, सिंहासन, पहिए, हंसपटी, चक्रछंद, काठीखंब, गरगरीपीठ, बारंडी, बाढ़, ध्वजा, शून्य चक्र आदि के नाम से जानते थे। ज्यादा से ज्यादा वीडियो अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। न्यूली अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। देश टीवी, वी रिपोर्ट, यू डिसाइड।